आज मेरी मेहंदी है और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है, ये वाला डिजाइन मैंने करवाया है। यहाँ पे ना थोड़ी सी फैल भी गई, पता नहीं कैसे मेरा हाथ बेड पे लग गया। भाई बैठे बैठे मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई ना, दिल कर रहा सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ कि लाइफ में कुछ न्यू होने वाला है। ये है मेरी मेहंदी का कलर जो बहुत ज्यादा प्यारा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ ही गया जिसका मुझे और हम सबको इंतजार था। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग्स। और मैं हूँ इकरा। सो कैसे हो आप सर? सो गाइस, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ और सैड भी हूँ। सैड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे आलम भैया साउथ इंडिया चले गए हैं पूरी फैमिली के साथ। बड़े पापा के लड़के भाभी सैफ असद और आलम भैया ये सब साउथ इंडिया चले गए, वो वहाँ पर ही रहेंगे, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग। और अल्लाह का शुक्र अच्छी बात है, जा रहे हैं। अल्लाह पाक उनको और भी ज़्यादा कामयाब करे इससे ज़्यादा, और बहुत याद करेंगे पक्का। वो मेरा ये वाला व्लॉग देख रही होंगी भाभी, तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप चले गए अच्छा नहीं लग रहा। और खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे जो है, आज मेरी मेहंदी है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी बड़े पापा के घर पे आया हुआ हूँ और गुलशन बाजी सारी बाजी आई हुई थी। तो अभी गुलशन बाजी सारी बाजी नहीं, अभी दो बाजी और लेफ्ट है, अभी वो नहीं आई थी और सारी बाजी आई थी और गुलशन बाजी अभी घर पर है। मैं वहीं से डायरेक्ट भक्तवा सबको अलविदा कह के फिर यहाँ आया हूँ। बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। महावी शापी कह रही थी आने के लिए, देखो नहीं आती, तो उससे पहले हम अपनी मेहंदी स्टार्ट करवा लेते हैं। तो हमारी मेहंदी आर्टिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, तो मैं भाभी के घर आ गया हूँ। फटाफट से हम प्यारी सी क्यूट सी मेहंदी लगवाते हैं और डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ऐसा कैसा लगने वाला भी मुझे खुद नहीं पता, बस मैंने डिज़ाइन निकाल लिए हैं कि देखते कैसा लगता है। तो ऐसे कंटिन्यू बने रहना मेरी मेहंदी के लिए, आज मेरी मेहंदी है। वाओ, सो बस ऐसे कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यस गाइज, यहाँ मेरे मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है, ये वाला डिज़ाइन मैंने करवाया है पीछे बैक के लिए, और देखो कैसा रिजल्ट आता है। वो मुझे सुनने में तो पता है कि ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, मुझे भाभी ने ही बताया। तो देखते हैं कैसे लगाती है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनकी मेहंदी देखने के लिए कि कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद यार मैं मेहंदी लगवा रहा हूँ। आपने देखा था ना ईद के टाइम पे भी, बस मैंने एक या दूसरी बार लगवाई थी, ये भी मेरा शायद से थर्ड टाइम है जो मैं लगवा रहा हूँ, और देखो कैसा रिजल्ट आता है। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो चलो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना, देखते रहना, मज़ा भी बहुत आ रहा है। पैर अभी से सो गया यार मेरा बहुत गंदा वाला। कोई नहीं, मिज्जो की हो रही है तबीयत खराब, मिज्जो के मुँह में पानी आ रहा है कि फुप्पो लगवा रही है मेहंदी, मुझे भी लगवानी है। सो यस जानो ऐसे कंटिन्यू बने रहना। सो गाइस, एक हाथ पे तो डन हुई, वो भी पीछे की, अभी आगे नहीं लगी और सेम बिल्कुल लिट्टो वैसे ही लगी है और बहुत प्यारी लगी। बस थोड़ा बहुत मैंने इसमें चेंजेस करवाया है क्योंकि वो मुझे खुद उसमें डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था इसलिए। और ऐसा भी अभी आपको खुद नहीं दिखेगी, घर जाके ना बिल्कुल सही से दिखाऊंगा। और अभी दूसरे हाथ पे भी लगवानी है, इस पर भी लगानी है। मिज्जो की पिटाई हुई है, मिज्जो तुम्हारी पिटाई हुई है। मेहंदी कैसी लग रही है ये बताओ, आर्ट ऑफ उप्पो की कैसी लग रही है, दिखाओ अपनी, दिखाओ अपनी, दिखाओ। देखो मिज्जो की अम्मी ने लगाई, अम्मेली बताओ कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है सच में, चलो अच्छी लग रही है। सो पहले ना और हाथ ही कंप्लीट कराते हैं जल्द से। यस जानो, जैसा आपको पता है एक हाथ मेरा यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है जो बहुत प्यारा लग रहा है कसम से, और एक अभी स्टार्ट हो गया है लगने के लिए, और छोटी भी है, पता है छोटी है वो मेरे से। टैलेंट देखो यार क्या, मैं ही हूँ सब चीज़ में बेकार, वो बेचारी सबसे ज़्यादा अच्छी है। और बस फटाफट से ना करवाते हैं जाते हैं। ठंड भी लग रही है बट मैंने पंखा चलवाया हुआ है कि जल्दी जल्दी सूख जाओ। पता है क्या हुआ अभी मुझसे, ये देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी फैल भी गई, पता नहीं कैसे मेरा हाथ बेड पे लग गया, चादर पे वो हल्की फुल्की सी फैल भी गई, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बट हाँ चुका तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई बैठे बैठे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, दिल कर रहा सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, बट जल्दी जल्दी कंप्लीट कराते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई कसम से गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मिज्जो का रोना बंद नहीं हो रहा, उसको रोना आ रहा है, उसको दूध पीना, उसका दूध अभी आया है। और अभी सब गए हुए भी है स्टेशन पे छोड़ने के लिए, खैर अभी तक तो उनकी गाड़ी चल भी गई होगी और सब रास्ते में आ ही रहे हैं। ये ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यस जानो, मैं घर पे आ चुका हूँ और कुछ इस तरीके से मेरी मेहंदी लगी है, ये आप देख सकते हो। उस पर मैंने ना चीनी पानी का घोल बना के हाथ पे लगाया हुआ है,
तो ये थोड़ी सी अभी चिपकी चिपकी सी है, और थोड़ा ना, हाँ ये इस वाले हाथ का ना पीछे का थोड़ा सा ना डिज़ाइन इधर उधर हो गया, वो पता नहीं बस कैसे बस हो गया, ये देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे ना मैस हो गया, बट रियल में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम यूनिक यूनिक सा। और ये उन्होंने पीछे का मैंने दिखाया था, आगे का उन्होंने अपनी मर्जी से खुद से लगाया और जो बहुत प्यारी लग रही है। और एक ये है मेरी जो बहुत प्यारी लग रही है, आप कलर देख सकते हो, कलर कितना अच्छा आ रहा है, अभी मैंने उस पर नहीं लगाया, अभी यहाँ पे रह रहा है। और ये देख सकते हो रियल में वैसे अगर मैं दिखाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे बहुत पसंद आई। और आप बस क्या थोड़ा सा आराम करने की, तो इन गाइस मेरी व्लॉगिंग कर रही है और ये देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। हाँ इंदू का भी बहुत प्यारा है, पागल पागल करती सोचती हम इसी के जितने हैं। तो अभी ना मैं आपको पहले ना बैक कैमरा से दिखाता हूँ पूरा, ये देखो गाइस, ये कहीं से क्यों नहीं दिख रहा मुझे, सादिक से करके ना उससे कह के मुझे दिखाना पड़ेगा। अभी आप बैकग्राउंड पे फोकस करो, मेरी मेहंदी पे फोकस मत करो। यस गाइस मेरी मेहंदी लग चुकी है, ये नहीं देखने दूंगा, नहीं देख देखी दिखी नहीं रहा गाइस को, दिखी नहीं रहा। आगे है बच्चा, नीचे है दुखा, मौज नहीं पा, कहाँ चले हम, थक तुम थक तुम। अरे भैया अब जो आने वाला है उसके लिए मैं सच में गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि लाइफ में कुछ न्यू न्यू होने वाला है। मजाक कर रहा, कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो, ऐसा शादी वादी का कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं करनी यार, कौन कर रहा है अभी इतनी जल्दी, और करनी भी नहीं है। और खैर, और मुझे ये क्योंकि मेरा आगे आने वाली है उसकी तैयारी ही के लिए मैंने ये करा है, मेहंदी लगवाई है, वो जो आपको आगे पता चलेगा बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो आने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। और बस ऐसे कंटिन्यू बने रहना, पहले मैं आपको ना दिखाऊंगी कि मेहंदी का कलर कैसा आया, खैर मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा आएगा। और अल्लाह मालिक, अगर आप लोग प्यार करते होगे तो तभी पता लगेगा मुझे, अगर आप लोग प्यार नहीं करोगे तो कैसे आएगा, फिर प्यार करोगे तो यार आएगा, अगर नहीं करोगे तो प्यार नहीं आएगा। हाँ मुझे मुझे ट्रस्ट है, आप लोग प्यार करते हो तो जरूर जरूर मेरा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। सो खैर अभी पहले अच्छे से सूख जाती है मेहंदी, सब कुछ करने के बाद देन मैं आपको आराम से मिलूंगी। सुबह से जानो मैं अब खाना खा रहा हूँ, सादिक ने मुझे ला के दिया है येल्लो वाले राइस बने ना, तहारी तहारी क्या कहते हैं उसको पता नहीं, तो ये बने हैं तो ये खा रहा हूँ मैं सुबह से। अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो अब घर खा जाके ही खाएंगे, बड़ी खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों मेरे एक्शन बदल रहा है। मैंने तो बोल रहा था कि मेरे भाई के लड़के ना वो पक्का पक्का मुझे घर जाके पहले उसे मनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत रोती है, और वो यही हुआ, उसने मेरी मेहंदी देखी ना तो वो रोने लगी, आटा तुमने तो अपनी इतनी अच्छी लगा ली, मेरे तो नहीं लगाती हो, ये है वो, इतना रो गया। उसके बाद उसको मनाया, मान गई, अब फिर कह रही कि लगवाओ आटा लगवाओ, मैंने कहा बाबू मैं तेरी बाहर से लगवा दूंगा, टेंशन ना ले, मुझे नहीं आती लगाने, मैंने ऐसे बोल दिया। तो अभी खैर मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते हैं, जल्दी से पेट पूजा करते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि सर में दर्द होने लगा, कमर की बैंड बच चुकी है। सो यस द नेक्स्ट डे, सो गाइस मैं अभी जस्ट महवेश आपी के घर पे आया हूँ किसी काम से। ये देखो अभी मेहंदी का कलर और आना है, अभी ये पहले मतलब अभी पहले दिन का है, इस हाथ पे थोड़ा सा कम है, पीछे काफ़ी अच्छा आया हुआ है, एंड ये राइट हैंड का है इस पर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, बट अभी अभी इस पर और आएगा। मेहंदी लगने के बाद ऐसा कलर आने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना, ये आप लोगों का प्यार ही तो है। और ये रहा हमारा बाबू, छोला है, छोला है, सो यार बापी के किसी काम से आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो सरप्राइज़ आने वाला है, उसी के बारे में ही आया था काम करने के लिए, बहुत अच्छा सरप्राइज़ होने वाला है मुझे पता, आप उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। सो यस ऐसी कंटिन्यू बने रहना। सो गाइज ये है मेरी मेहंदी का कलर जो बहुत ज़्यादा प्यारा आया है, आगे का पीछे का ये आप देख सकते हो, जो बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। अभी इस पर और कलर आएगा क्योंकि आज पहले दिन का कलर है, अभी इसके बाद और भी कलर आना है मेहंदी का, बहुत प्यारा लग रहा है। फाइनली जानो घर आ चुका हूँ, अपी के घर कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्कशन चल रहा था काम को लेके बहुत ज़्यादा, इसलिए तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाया, बस बातों बातों में ही अपना सोच समझने में कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके चक्कर में ऐसे ही रह गया। और अभी आया हूँ, बैठा हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा,
और बस अब जा रहा हूँ मैं वीडियो एडिट करने के लिए। दूसरी वाली से पहले का व्लॉग एडिट करना है मुझे, बहुत सारा काम है। मेहंदी बड़ी प्यारी लग रही है मुझे, बार बार मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ। आप बोर हो रहे होंगे पक्का कि बार बार क्या मेहंदी करी, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वजह से। ये फाइनली मेरी मेहंदी लग गई इतना टाइम बाद। सो चलो जानो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करने चाह रही हूँ। आई होप आप सबको व्लॉग बहुत पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करेगा। और इंशाल्लाह जल्दी ही एक बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। सो बस ऐसे ही बने रहना मेरे साथ, तभी आपको बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। सो बाय बाय गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।